नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com और Lallantop चुनाव यात्रा की टीम मोती फिलहाल औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जिन चीज़ों के व्यापार के लिए मशहूर है उसमें से एक है पैटर्नी साड़ी, लेकिन पैटर्न यहाँ से थोड़ा दूर है। ख़ास औरंगाबाद की जो खासियत है फैब्रिक में वो है हमरू, या जिसे आज हिमरू के नाम से जाना जाता है। हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे तकरीबन 200 साल से हमरू का काम हो रहा है, कुरैशी परिवार ये करता है, और हम उसे जानेंगे कि कैसे इस डाइंग आर्ट को उन्होंने बचाया हुआ है। तो हमारे साथ इमरान हैं, आप फिलहाल इस कारखाने का काम देखते हैं, कुरैशी फैमिली में प्रेजेंट अभी इन्हीं के यही देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। पहली चीज़ हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो हमरू है या हिमरू है, ये कब इसका काम औरंगाबाद में शुरू हुआ और इसमें क्या ख़ास है इस फैब्रिक में? हमरू ये जो है तो 1890 में इस्टेब्लिश हुआ है औरंगाबाद में, और जब मोहम्मद तुगलक जब यहाँ शिफ्ट हुए दौलताबाद से, अपने दिल्ली से दौलताबाद, तो उस वक्त जो है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका सबसे ओल्ड सिस्टम जो है हिमरू का ये है। इधर दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ द वीविंग इन हिमरू। हियर वी नीड टू पर्संस, यहाँ पे दो लोग चाहिए होते हैं वीविंग के लिए। अभी फिलवक जो है तो यू नो अंडर ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे जो है तो एक पर्सन यहाँ पे बैठता है हु पुल द थ्रेड्स एंड हियर द दे वीव द शॉल हियर। ठीक है, तो ये शॉल बन रही है, अभी ये शॉल बन रही है, बट शी इज़ अंडर ट्रेनिंग, तो यू नो अभी जो है तो प्लेन क्लॉथ जो है तो बुन रहे हैं यहाँ पे अभी फिल वक्त। ऐसा है, मतलब इसी करके पे शॉल भी बन जाती है, लेकिन फिलहाल सादा कपड़ा बन रहा है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे शॉल बन रही है क्या? यहाँ पे शॉल बन रही है, ये जो है तो न्यू सिस्टम है, लिटिल मॉडर्नाइज सिस्टम बोल सकते हैं, सेमी कंप्यूटराइज। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस दिस इज विद द जैकार्ड सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड अ जैकार्ड। ठीक है, आपने इसे सेमी कंप्यूटराइज क्यों कहा सर? क्योंकि ये जो तो पंच कार्ड है पूरा, ये पंच कार्ड के थ्रू जो है तो ये जो तो डिज़ाइन आ रहा है, एंड इट इज़ नॉट अ फुल्ली मैनुअल यू कैन से, यानी टोटली मैनुअल नहीं है ये। अच्छा, ये सेमी मैकेनाइज्ड सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये कार्ड्स में क्या है, ये डिज़ाइंस हैं आपके? हाँ, ये पंच कार्ड्स बोलते हैं इसको, सो द होल डिज़ाइन ऑफ दैट पंच ऑन द कार्ड्स ओवर हियर, एंड द लेडी शी चेंज द डिज़ाइन बाय हर फीट। लाइक इनके पैरों में लगा हुआ है ये जो लंबी स्टिक है, ये द स्टिक हैज़ बीन कनेक्टेड देयर विद द डिज़ाइन कार्ड्स। ओके, सो व्हेन शी प्रेस पर द फीट लाइक दैट द कार्ड मूव्स एंड इट गोज विद द डिज़ाइन थ्रेड्स, दीज आर द डिज़ाइन थ्रेड्स। लेकिन ये मॉडर्न सिस्टम है, हमारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो हिंदी समझते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप हिंदी में बताते चले, है ना? अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं जब आप अंग्रेज़ी में कहते हैं तो। अच्छा, ये आपका मॉडर्न सिस्टम हुआ। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि इसका नाम ये कैसे पड़ा, मतलब मैंने जब कल सुना था तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था कि हिमरू। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है और ये नाम की ईजाद कहाँ से होती है? नहीं, इसका एक्चुअल वर्ड तो हमरू ही है। अच्छा, समझेगा। और हमरू जो है तो काफ़ी साल पहले जब यहाँ पे वीवर्स लोग ने जब बुनना शुरू किए थे, वीव करना शुरू किए थे, तो ये प्योर 100% प्योर सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड्स इसमें जो है तो बुना जाता था। और इसके जो अब रहा सवाल हमरू का, तो वो जो है तो 100% प्योर सिल्क और प्योर गोल्ड में बुना जाता था। ठीक है, इसके जो तो शेरवानी कपड़े बुना जाते थे पहले, शेरवानी जो कि राजा महाराजा मुगल एम्पायर्स वगैरह जो तो यूज़ करते थे, टर्बन्स बनाया करते थे। अच्छा, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर वही रॉ मटेरियल में बनती थी। अब ऐसा ऐसा उन लोग का दौर ख़त्म हो गया है, राजा महाराज किंग्स क्वींस का सारे दौर ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर आया था हमारे पास गवर्नर हाउस मिनिस्टर्स ये वो। अब उतने महंगा तो कोई नहीं लेता था, तो फिर इन लोग ने क्या करे, टेपेस्ट्रीज अपहोस्ट्रीज ये बनवाना शुरू करें, लेकिन कॉटन एंड सिल्क में। अच्छा, तो डिज़ाइन वही है लेकिन रॉ मटेरियल बदल गया है। ठीक है, तो अभी किस मटेरियल पे काम हो रहा है आपके? कॉटन एंड सिल्क मिक्स है अभी, इस पर जो काम हो रहा है ये शेरवानी का काम हो रहा है ये। अच्छा, इसका ऑलरेडी एक 2 मीटर का कपड़ा तैयार हो चुका है। अच्छा, अब ये नया दूसरा उन्होंने तैयार किया है। अब इसका ये जो तो उल्टा साइड है, दैट इज़ एन मतलब ये जो तो उल्टा है ये, मतलब इसका राइट साइड नीचे है, तो ना आपको बताएंगे अभी। अच्छा, ज़रा दिखा दो नीचे का, उसको पलटा के बता दो, बताओ। अच्छा, तो ये सेमी कंप्यूटराइज सिस्टम भी काफ़ी मतलब पुराना ही। ये
दिखने में तो पुराना लगता है। 55 साल हो गए इसको, 55 ईयर्स। जैकार्ड सिस्टम है ये। अच्छा, और इसे क्या कहते हैं सर जी, ये जो पुराना करघा था आपका? इसको पागा का सिस्टम बोलते हैं, पागा। पागा, हाँ, पी ए जी ए, पागा, पागा सिस्टम बोलते थे इसको। अच्छा, और पागा इसका कोई पैर का काम है इसलिए? पैर से काम है, और इसका पूरा डिज़ाइन जो है ये इसके ऊपर है। अच्छा। ये पूरे डिज़ाइन थ्रेड्स है। अच्छा। और ये पूरा अटैच है ये, इसको बोलते हैं पागा सिस्टम। अच्छा, इसको पागा। जी हाँ। अच्छा, ये शेरवानी का ये वो साइड है जो बाहर राइट साइड है ये? हाँ, ये राइट साइड है। हटाओ ज़रा वहाँ से हामिद भाई। और अभी इसको कितने दिन लग जाएंगे सर, इसको जब ये पूरा होगा तब? अभी देखिए, वो सिस्टम के ऊपर जो है एक शॉल बनने के लिए तकरीबन 15 दिन लगते थे, वही इसके ऊपर ये थोड़ा सेमी मैकेनाइज्ड है बोल के इसमें 5 डेज 6 डेज लग जाते हैं। अच्छा, और ये एक दिन में कितने देर इसे चलाया जाता है? 8 घंटे। 8 घंटे, मतलब फिर भी इसमें एक हफ्ता पूरा लग जाएगा? 5 से 6 दिन लगेंगे, डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन। जैसा डिज़ाइन रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है काफ़ी, उसमें अगर बारीकी है तो उसको 8 दिन भी लग जाते हैं। सिंपल डिज़ाइन है, एक ही कलर अगर आप डाल रहे हो उसके अंदर तो वो 3-4 दिन में भी बन जाती है। अच्छा, तो आपकी आप रॉ मटेरियल्स के लिए क्या करते हैं सर आप? अच्छा, ये भी ये एक और ज़्यादा बड़ा सेटअप है। हाँ, मैंने इधर देखा ही नहीं था। ये जो तो हमने इसको 36 इंच का किए हैं। अच्छा। वो जो तो 30 इंच का है, ये 36 इंच का है। इसके अंदर हम लोग ड्रेस मटेरियल हो गया, या फिर जो है तो आपके बड़े साइज़ के शॉल्स हो गए, वो भी बनाते हैं इसके ऊपर। तो आपके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से सिल्क और कहाँ से आप सूत कहाँ से लेते हैं? ये लोकली प्रोड्यूस होता है या कहीं मंगवाना होता है? तो नहीं है, मालेगाँव है। अच्छा। मालेगाँव से आता है, नासिक के नज़दीक है मालेगाँव, तो वहाँ से जो है तो आता है। कुछ बॉम्बे से रॉ मटेरियल आता है, रेशम जो है तो 100% प्योर सिल्क साउथ इंडिया से भी आता है, बैंगलोर वगैरह से। और ये ऑर्गेनिक होता है पूरी तरह से? ऑर्गेनिक अभी हम लोग यूज़ करने वाले, अभी यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। अभी ये अंडर ट्रेनिंग में जो है तो पहले अभी हम लोग हैंड वीविंग का कर रहे हैं, इन लोग को सिखा रहे हैं। अभी इसके अंदर ऑर्गेनिक का भी जो है तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो नए साल से, जनवरी से जो है तो हम लोग अभी और लूम्स भी बढ़ा देंगे और कलर्स भी जो है तो इसके अंदर पूरे नेचुरल कलर्स यूज़ करने वाले हैं। हम कुछ ऐसे फिनिश डिज़ाइंस भी देख सकते हैं क्या जो आपके यहाँ तैयार हो गए होंगे, मतलब ताकि एक आइडिया लगे लोगों को कि जो इतना बारीक काम है वो पूरा होने के बाद दिखता कैसा है? शॉल्स का ज़्यादा चलन नहीं रहा आजकल, हम लोग स्टोल्स बना रहे हैं। अच्छा। स्टोल्स जो है तो आता है, अभी हम लोग कॉटन एंड सिल्क में अभी तक बनाते थे, अब जो है तो हम लोग पॉलिस्टर भी बनाना शुरू करें ताकि उसका थोड़ा कॉस्टिंग कम हो जाए। तो मैं स्टोल्स आपको बताता हूँ, शॉल्स का भी कुछ बता देता हूँ। कुछ सैम्पल्स है, कुछ डिज़ाइंस है जो कि पुराने हैं लेकिन अभी तक बन रहे हैं वो, लेकिन वो ज़्यादातर हम लोग बाय ऑर्डर ही बनाते हैं। जैसे कि अभी ये शेरवानी हम लोग बना रहे हैं बाय ऑर्डर। और ये जब पूरी हो जाएगी तब इसकी क्या कीमत होगी? पूरा हम लोग रफ एक, हाँ, एक 4-4.5 हज़ार तक के सिर्फ कपड़ा बन के तैयार होगा, फिर उनको बनवाना होगा उसे। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, तो ये सारे लोग इसी दुकान में आए थे? नहीं नहीं, ये तो नवाबपुरा बोल के एक एरिया है जो कि ओल्ड स्ट्रीट है। अच्छा। वहाँ पे ये लोग ने विजिट किए थे। सबसे पुराना जो है तो ये है, देखिए जहाँ पे अभी नवाबपुरे में जो था ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी बुनियाद जो है याकूब साहब, याकूब नाम था उनका, जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। अच्छा। फिर उनके बाद जो है तो हाजी गुलाम अहमद साहब, फिर मेरे ग्रैंडफादर। तो ये आपकी कितनी जनरेशन्स है समझ लो, मुझे और मेरा छोटा भाई है आमिर अहमद। अच्छा। हम लोग देख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले जो तो मेरे दादाजी को मिला था। अच्छा। इसे कहते हैं ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। ये 1971 में मिला था उनको। फिर ये बेल्जियम की क्वीन है, क्वीन फेबियोला। अच्छा। ये भी विजिट किए थे, और बाकी ये सब मिनिस्टर्स, गवर्नर्स। और ये मेरे डैडी को मिला था इन द ईयर 2012, यहीं औरंगाबाद में। ये महाराष्ट्र सरकार का जी, दिया जी जी जी। और ये इस तरह से आपकी तारीफ छपती रही है यहाँ पे न्यूज़पेपर में। ये पूरी हिस्ट्री है वोवन इन लेजेंड एंड गोल्ड, तो ये पूरी हिस्ट्री है हिमरू की। अच्छा। ये भी आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको जो तो देखने को मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, तो अब हम डिज़ाइंस पर आते हैं कि कौन कौन से डिज़ाइंस आपके यहाँ। एक और एक बात, ये जो मेडल्स है ये, हाँ,
ये मेडल्स भी थे यहाँ पे, लेकिन इत्तेफाक से जो तो उसमें से एक मेडल जो हमारा चोरी हो गया था, तो हमने फिर वापस लेके अभी घर पे रखे हुए उसको सेफ। अच्छा, आपके यहाँ से मेडल्स आपको मिलते रहे हैं? ये मेडल्स ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो इधर, तो ये सब यहाँ पे थे रखे हुए वो अभी तक, लेकिन अब घर पे है वो। अच्छा, फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब कुछ डिज़ाइंस देखते हैं कि आपके पास। तो जब तक आप डिज़ाइन निकालते हैं, एक आप निकालते रहिए, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। आपके फादर यहाँ पे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है, और हमने उन्हें बताया कि हम यहाँ देखना चाहते हैं हमरू का काम कैसे होता है, तो थोड़े नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि यार इतने लोग आते हैं, इतने लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो ये इस इंडस्ट्री की क्या ये इन जनरल शिकायत है कि आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इंडिया में? इंडिया की बात नहीं है, दरअसल ऐसा हो गया है कि यहाँ से यहाँ पर जो तो हिमरू के नाम पर काफ़ी लोगों ने जो है ना सोसाइटीज़ बनाए थे। अच्छा। सोसाइटीज़ बना के लोन के लिए अप्लाई किए और पैसे खा चुके हैं। अच्छा। लेकिन इसको ऊपर कभी नहीं लेकर आए, और उनका मेन एम वो था भी नहीं कि इसको जो तो पूरा ऊपर लेकर आ सके हिमरू को। ठीक है, अब ये हुआ कि एक आरुषि नाम की लड़की है जो कि NIFT की है, उन्होंने इसमें जो है तो थोड़ा इनिशिएटिव लिए हैं, और लूम कथा बोल के उनके संस्था का नाम है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किए, उन्होंने पहले पूरा औरंगाबाद सर्वे किए, उनको कहीं भी उन्होंने सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो यहाँ पे आए मुझसे बात की उन्होंने, तब हम दोनों मिलके जो है तो इसको जो तो अपग्रेड कर रहे हैं, इसको रिवाइव कर रहे हैं, तो उनकी बहुत बड़ी हेल्प रही है। कितने लोग सर अभी भी ये काम कर रहे हैं हमरू का यहाँ पे औरंगाबाद में? अभी औरंगाबाद में ऐसा है कि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के वास्ते लूम्स है, और बाहर से माल लेके आके हिमरू का नाम बोल के बेचते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत चल रहा है औरंगाबाद में। ओरिजिनल हिमरू बैठ रहा है और डुप्लीकेट जो है जो कि मशीन पे बनता है, तो उसको ज़्यादा ऊपर लेके आ रहे हैं लोग, क्योंकि वो शायद सस्ता पड़ता होगा क्योंकि मशीन पे। तो लेकिन हम जो यहाँ देख रहे हैं ये सारा आपके यहाँ बना हुआ है दो लूम्स पे? हैंडलूम का बना हुआ है ये ओरिजिनल। डिज़ाइंस ये हम क्या देख रहे हैं सर? ये सबसे पहले जो तो ये शॉल्स है, ये 100% ये कॉटन एंड सिल्क मिक्स है, मतलब ये। और एक शॉल की कितनी कीमत होती है सर जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए? वेल इट डिपेंड, यू नो, ये जो तो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, तो ये 2500 रुपये की भी आती है इसके अंदर, 3500 की भी आती है, क्योंकि अब जो है हैंडलूम की शॉल ज़्यादा कोई प्रीफर करता नहीं है, इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है उसकी। तो हम लोग ने स्टोल्स में भी आ गए हम लोग। अच्छा। तो स्टोल्स थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और इस डिज़ाइन का कोई नाम है सर खास स्पेसिफिक? डिज़ाइन है केव नंबर 2 पे है ये। अच्छा, और एक चीज़ मतलब ये 2 नंबर केव पर जैसा है वैसा आपने बनाया है, और जो नीचे है उसके? ये जो तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, ये हम मेरे दादाजी ने खुद अपने यू नो क्रिएट किए थे ये डिज़ाइन उन्होंने। तो ये आपके मतलब फैमिली हेरिटेज का हिस्सा है अभी यहाँ? ये एक है, देखिए इसे कहते हैं अहमदी बेल। इसे अहमद और अहमदी बेल कहने की कोई खास वजह? बस एक नाम दिए, पापा का नाम है। अच्छा, ये उनका बनाया डिज़ाइन है? ये भी दादाजी का ही बनाया हुआ है, ये सब पूरे दादाजी के बनाए डिज़ाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। और इसका भी कोई खास नाम है? चिड़िया क्या है बस डिज़ाइन, इसको ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा। कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है इसका, छोटे सैंपल्स भी काफ़ी है मेरे पास, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा। और अभी हम लोग जो है तो ये स्टोल्स बना रहे हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी चलता है ये। ओके। और ईजी टू कैरी है, और इसे जो है तो बहुत आराम से यूज़ किया जाता है इस तरीके से। अच्छा। आपके फादर कह रहे थे कि ज़्यादातर आपके कस्टमर्स बाहर से ही होते हैं, यहाँ के लोगों को कदर नहीं है, ये उनकी शिकायत थी। सही है ये चीज़, लेकिन यहाँ के लोग को इसलिए कदर नहीं है क्योंकि हैंडलूम का जो है ज़्यादातर जो है तो डाउन होते जा रहा है मामला, और मशीन का जो डुप्लीकेट वो ऊपर आते जा रहा है, सस्ता हो जा रहा है, तो इसलिए जो है तो ये चीज़ को कोई लाइक नहीं करते। फॉरेनर्स के नज़दीक इसकी जो है तो वैल्यू ज़्यादा है हैंडलूम का है बोल के, उनको अगर आप बता देंगे एक जगह कि भाई ये हैंडलूम का बना हुआ है सेम डिज़ाइन, और दूसरी तरफ अगर आप रखेंगे ये पावरलूम का बना है, तो वो हैंडलूम पे ज़्यादा प्रेफर करते वो लोग। एक चीज़, जैसे तुगलक दिल्ली से आए थे है ना, तो क्या इसके जो व्यूवर्स थे वो भी दिल्ली या उस बेल्ट से आए थे और यहाँ के वैसे, या ये यहीं के व्यूवर्स थे जिन्होंने? व्यूवर्स तकरीबन जो है तो यहाँ पे व्यूवर्स थे ही नहीं, यहाँ पे आके जो है वो टेक्निक से जो है तो यहाँ पे लोगों को सिखाया गया है। अच्छा। हाँ, तो फिर ऐसा था कि उनके फैमिली के सारे मेंबर्स यही काम करते थे हमारे पास। अच्छा।
ऐसा। तो और क्या औरंगाबाद के अलावा भी हमरू का कहीं काम चल रहा है फिलहाल हिंदुस्तान में? फिलहाल हैदराबाद में चलता था, सुरैया मैडम एक थे वहाँ पे, उन्होंने करते थे वो, लेकिन उन्होंने भी अब बंद कर चुके हैं वो। तो मतलब बहुत कम लोग अब हैं? बहुत कम है अभी, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है तो रखा गया है लूम्स, बाहर का लेके आके हिमरू का नाम बोल के बेच रहे हैं, डेट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी प्रोडक्शन तो कहीं नहीं है अभी फिल वक्त। तो ये आपकी ये जो इतनी खूबसूरत आर्ट है, इसको प्रिजर्व करने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? मतलब जो आप बिज़नेस चलाते हैं, सो तो चलाते ही हैं कि ये चीज़ बनी रहे मतलब आगे भी टाइम में। इसीलिए तो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, इसीलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ये जो, हाँ अच्छा, वो मैं मिस कर गया था। अच्छा, जो लेडीज़ लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अभी ये अंडर ट्रेनिंग है ये। अच्छा, ये लोग एक बार सीख गए तो फिर हमारा प्रोडक्शन हैंडलूम का बढ़ते जाएगा फिर इंशाल्लाह यहाँ से। अच्छा। जी अभी ये दिसंबर यानी जनवरी में नए न्यू ईयर में हम लोग और 5 लूम्स जो तो एक्सटेंड करने वाले हैं। तो स्टोल्स और शॉल्स आपने बताए, और क्या क्या बन जाता है? शेरवानी, शेरवानी का कब आपने देख लिया कपड़ा अभी, और नेकटाइज बनाते हैं हम लोग। अच्छा, हिमरू की टाई भी होती है, हम देख सकते हैं? कम है गए हैं बहुत। अच्छा, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा मतलब हैंडलूम वाली टाई मैंने नहीं देखी है कम से कम अभी तक। सबसे पहले जो है कॉटन एंड सिल्क में मैं जो है तो ट्राई किया था। अच्छा। औरंगाबाद में। अच्छा। लेकिन ये यहाँ पे स्टिचिंग क्वालिटी बराबर नहीं थी, यहाँ के लोग को सही आया नहीं बुनना, तो यहाँ पे कपड़ा बहुत वेस्ट हुआ मेरा। फिर मेरे एक कज़िन हैं, उन्होंने मुझे बॉम्बे का एड्रेस दिया। तो मतलब ये बनवा के सिलवाई गई है सर? जी जी, मैं कपड़ा यहाँ से भेजता हूँ, वो वहाँ से स्टिचिंग करके भेजते हैं। ओके। तो हमने फिर क्वालिटी चेंज किए, कॉटन एंड सिल्क के बदले हम लोग ने ये सिल्क में लेकर आए। ओके। आर्टिफिशियल सिल्क है, इसमें प्योर सिल्क की भी बनाते हैं हम लोग। और ये कपड़ा पूरा हैंडलूम काफ़ी बारीक है यार। हाँ। इसका मैं दूँ नहीं पा रहा हूँ, ये देखिए हैंडलूम टाइज। तो और भी ऐसे आपने कोई नई चीज़ें सोची हैं जिससे आप मतलब अभी की पीढ़ी में सब पुश कर सकें? इस 36 इंच का जो आपने लूम देखे हैं बाहर, बड़ा लूम, तो उस पर हम लोग अभी ड्रेस मटेरियल और साड़ी भी बनाएंगे। अच्छा। तो हिमरू साड़ी फिल वक्त जो है तो इस तरीके से आती है जो कि 100% प्योर सिल्क रहती है। अच्छा। और ये साड़ी की, एक साड़ी की कितनी कीमत पहुँच जाती है सर? ये 12,500 में आती है। हाँ, क्योंकि इसमें शायद लग भी ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता है, और ये 100% प्योर सिल्क में ही है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक पीस ऑफ हिस्ट्री है औरंगाबाद की, वक्त के हिसाब से भी और आर्ट के हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से भी, जो एक शेयर्ड कल्चर है शहर का। ऐसे ही बहुत सारे और चीज़ों के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे जब हमारी इलेक्शन कवरेज आगे चलती रहेगी। उससे पहले आपका एक थोड़ा सा वक्त मैं और लूँगा, इस तरह की ट्रेंडी टीज़ अगर आप और लेना चाहते हैं जिनके ऊपर रेंडरिंग टाइम आपकी ज़िंदगी के लिखा होता है, तो आप shop.dillantop.com पर जाकर के इनको ख़रीद सकते हैं। औरंगाबाद से मितेश के साथ मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे dillantop.com।